हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। फ्रेंड्स, आज है 5 सितंबर। आज के करंट अफेयर शुरू जल्दी से शुरू करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, क्विक रिवीजन करते हैं जो 4 सितंबर को करंट अफेयर करवाए थे, ताकि आपको जो रिवाइज भी होता रहे और आपको सारी चीज़ें याद रहें। आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, यहाँ पर आपको जो है पीडीएफ मिल जाएगी। डायरेक्ट पीडीएफ आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहाँ से जाकर भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम पर पीडीएफ डीडी डाल दिया था, वहाँ से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पर डायरेक्ट पीडीएफ आपको मिल जाएगी या फिर लिंक मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं क्विक रिवीजन। इसरो के वैज्ञानिकों ने हाल ही में किस स्पेस मिशन के ऑर्बिटर से लैंडर विक्रम को सफलतापूर्वक अलग कर दिया है? चंद्रयान 2। चलिए फ्रेंड्स, ये बताइए कि इसरो का चेयरमैन कौन है। इसरो के हाल ही में जो प्रेजेंट चेयरमैन है वो कौन है, क्योंकि ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आ सकता है, बहुत ही ज्यादा न्यूज में है, तो इसरो के चेयरमैन के बारे में पूछा जा सकता है, या फिर इसरो को फाउंड कब किया गया था। तो ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में जरूर कीजिए। फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसकी तरफ से स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो बिल मिलिंदा गेट्स फाउंडेशन यूएसए द्वारा। हाल ही में किसने पूरे देश में इलेक्ट्रल वेरिफिकेशन प्रोग्राम ईवीपी लॉन्च किया है? निर्वाचन आयोग ने। निम्न में से किस कंपनी ने अपना एंड्रॉयड बेस्ट स्मार्ट सेटअप बॉक्स और स्टिक लॉन्च किया है? भारतीय एयरटेल ने। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय अमेरिका वकील शिरीन मैथ्यूज को किस पद के लिए नामित किया है? संघीय न्यायाधीश के लिए उन्होंने। बिन्नी बांसल ने फ्लिपकार्ट के अपने 1,02,355 शेयर किस कंपनी को बेच दिए हैं? इन्वेस्टमेंट फर्म टाइगर ग्लोबल। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। 74 T20 मैच 99 विकेट लेकर कौन सी T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज बन गया है? लसित मलिंगा। भारतीय क्रिकेट टीम का कौन सा गेंदबाज 46 टेस्ट में 156 विकेट लेकर एशिया के बाहर सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला भारतीय गेंदबाज बन गए हैं? ईशांत शर्मा। वर्ल्ड चैलेंज इवेंट की कितनी मीटर रेस में जिनसन जॉनसन ने सिल्वर मेडल जीतकर वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर लिया है? 1500 मीटर, याद रख लीजिए ये। भारतीय वायुसेना ने हाल ही में किस देश के अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर अपने बेड़े में शामिल करने की घोषणा की है? अमेरिका के। चलिए, मैंने कल क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन ऑफ द डे, फर्स्ट मेट्रो ट्रेन इन इंडिया। तो पहली मेट्रो ट्रेन कब चली थी? तो 1984 में चली थी, जिन्होंने पहली बार कमर्शियल सर्विसेज दी थी, और कहाँ पे चली थी? कोलकाता के अंदर। तो कोलकाता मेट्रो सबसे पहले 1984 में चली थी, तो ये याद रख लीजिए, कोलकाता वेस्ट बंगाल के अंदर है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। मैंने कहा था कि कमेंट जरूर किए, लेकिन कुछ बच्चों ने कमेंट किया और कुछ ने कमेंट नहीं किए, शायद कोई प्रॉब्लम रही होगी, लेकिन आज जो क्वेश्चन पूछूंगा उसका कमेंट जरूर करना। फ्रेंड्स, आपको कमेंट करने के लिए कहा जाता है, तो कोई भी चीज़ आप अपने हाथ से जब लिखते हो या टाइप करते हो, तो आप कुछ सोचकर टाइप करते हो, कुछ सोचकर लिखते हो। बोलने को आप कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन जब आप कुछ सोचकर टाइप करते हो या लिखते हो, तो उस टाइम वो आपके मेमोरी का पार्ट बन जाता है। जो भी चीज़ें आप सोचते हो कुछ टाइम के लिए, तो आपके मेमोरी का पार्ट बन जाता है। इसलिए फ्रेंड्स, कमेंट जरूर किया कीजिए। आज के करंट अफेयर फ्रेंड्स शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के तहत जारी की गई देश के स्वच्छ प्रतिष्ठित स्थानों की रैंकिंग में किसे पहला स्थान मिला है? तो माता वैष्णो देवी, जम्मू कश्मीर के अंदर है, याद रख लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम और 20वें वार्षिक सम्मेलन में भाग लेने के लिए किस देश की यात्रा पर गए हैं? तो वो रशिया की यात्रा पर गए हैं, याद रख लीजिए। और रूस के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। तो ये याद रख लीजिए, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश ने देश के दक्षिण पूर्व में शिविरों में रह रहे 10 लाख रोहिंग्या शरणार्थियों की मोबाइल सेवाएं बंद करने का आदेश दिया गया है? तो ये बांग्लादेश के अंदर है, याद रख लीजिए। हाल ही में किसने IDBI बैंक के रिकैपिटलाइजेशन को मंजूरी दी है? तो ये केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसकी मंजूरी दी है। अब इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बन सकते हैं वो क्या है, IDBI इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, तो ये इसकी फुल फॉर्म है। अब दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है कि ये फाउंड कब किया गया, इसकी स्थापना कब की गई? तो 1964 के अंदर, याद रख लीजिए। तीसरा क्वेश्चन बन सकता है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई, क्योंकि ये फ्रेंड्स न्यूज़ के अंदर है, तो इसलिए इसके बारे में सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। और IDBI की पेरेंट कंपनी कौन सी है, या फिर इसका ओनर कौन है? तो LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, LIC, ये याद जरूर रखिए। चलिए, मैंने आपको बहुत बार बताया कि LIC की फॉर्मेशन कब हुई, आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि LIC की फॉर्मेशन कब हुई। फ्रेंड्स, मैं जितने भी क्वेश्चन पूछता हूँ उनके आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दिया कीजिए, क्योंकि क्या पता आपका आंसर देखिए किसको उसका आंसर पता चल जाए। निम्न में से किसने मोबाइल वॉलेट के KYC
को पूरा करने के लिए फोन पे, पेटीएम और अमेजन पे सहित सभी वॉलेट्स को 29 फरवरी 2020 तक का समय दे दिया है। तो ये दिया है भारतीय रिजर्व बैंक ने। तो इसकी स्थापना कब की गई? 1935 के अंदर। अब भारतीय रिजर्व बैंक ने इन्होंने को टाइम दे दिया, तो अब ये तब तक अगर आप केवाईसी नहीं भी करवाते तो भी आप यूज कर सकते हैं, फोन पे, पेटीएम, अमेजन पे, ये सभी वॉलेट आप फोन मतलब केवाईसी करवाए बिना भी यूज कर सकते हैं। पहले आप लोग ये केवाईसी के बिना यूज नहीं कर पा रहे थे। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के किस खिलाड़ी ने हाल ही में T20 अंतरराष्ट्रीय से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो वो है मिताली राज। तो वो सबसे ज्यादा रन बनाने वाली महिला है, महिला खिलाड़ी है T20 मैच में, 2364 रन बनाए उन्होंने, याद रखिए। ब्राजील में हुए शूटिंग वर्ल्ड में मिक्स टीम के कितने मीटर एयर पिस्टल इवेंट में भारत के मनु भाकर और सौरभ चौधरी ने गोल्ड मेडल जीता है? अब गोल्ड मेडल जीता है तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, तो जरूर याद रखिए फ्रेंड्स, कितने मीटर में? 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट के अंदर उन्होंने, ब्राजील के अंदर जो शूटिंग मिक्स चल रही थी तो उसके अंदर उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और इसके साथ यशवनी सिंह देशवाल ने और अभिषेक वर्मा ने सिल्वर मेडल जीता है। ब्राजील के इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन के 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम में निशानेबाज अपूर्वा चंदेला और दीप कुमार ने कौन सा मेडल जीता है? तो उन्होंने गोल्ड मेडल जीते हैं। तो मेडल्स के बारे में अब मैच चल रहे हैं तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। विद इन जो भी एग्जाम 10 से 20 दिन के बीच में होने हैं उनके लिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो याद रखिए। नेक्स्ट है, निम्न में से किस क्रिकेट टीम के कप्तान व अनुभवी बल्लेबाज हैमिल्टन मसाकदा ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा किया? तो वो जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम से हैं। आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में कौन सी टीम 100 से ज्यादा अंक हासिल करने वाली क्रिकेट टीम बन गई है? तो वो है भारतीय टीम। और फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट वन लाइनर ऑफ द डे, इसके मैं ऑप्शंस नहीं देता आपको लेकिन वन लाइनर होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, अब कुछ स्टूडेंट्स को हो जाता है कि सर आप इतने क्वेश्चन करवाते हो, फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आता हूँ, बहुत मेहनत से आपके लिए जो फाइल तैयार की जाती है, बहुत मतलब कि इंपॉर्टेंट टाइप किए जाते हैं। इसके लिए आपको जो पीआईबी को पढ़ा जाता है कि पीआईबी पे प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पे कौन कौन सा इंपॉर्टेंट न्यूज आ रही है, द हिंदू को पढ़ा जाता है, द हिंदू से क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं। और इसके अलावा फ्रेंड्स, दैनिक जागरण और जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है वो सारी हमारी टीम पहले स्टडी आउट करती है, रीड आउट करती है, उसके बाद आपके लिए पूरे करंट अफेयर जो है तैयार किए जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी आपको यहाँ पर कवर किए जाते हैं। और वीडियो पसंद आए, हमारी पीडीएफ फाइल अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दीजिए और शेयर भी जरूर करें ताकि दूसरों का फायदा हो जाए, क्योंकि हम फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रेंड्स यहाँ पर पढ़ा रहे हैं तो दूसरों तक ये चीज आप जरूर पहुंचाइए। भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए अपाचे हेलीकॉप्टर किस कंपनी द्वारा निर्मित किए गए हैं? तो बोइंग कंपनी द्वारा है। इसके अलावा थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लीजिए, भारतीय वायुसेना में अमेरिकी एयरस्पेस कंपनी बोइंग द्वारा निर्मित 8 अपाचे हेलीकॉप्टर शामिल किए गए हैं, तो नंबर याद रखिए। और कहां पर ये जो इसके लिए पठानकोट एयरबेस में एक समारोह का आयोजन किया गया है, इस समारोह में एयर चीफ मार्शल BS धनोआ मुख्य अतिथि थे, तो याद रख लीजिए BS धनोआ। और ये इसके बाद कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, आप वीडियो को पॉज करके खुद पढ़ सकते हैं। भारत का पहला गार्बेज कैफे किस शहर में खोला गया है? अंबिकापुर। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अंबिकापुर कहां पर है, ये अंबिकापुर ये छत्तीसगढ़ के अंदर है, याद रख लीजिए अंबिकापुर छत्तीसगढ़ के अंदर है। भारत का पहला गार्बेज कैफे किस शहर में खोला गया? अंबिकापुर में। अब नेक्स्ट इसमें क्या है, गार्बेज कैफे है क्या चीज? यह एक विशेष प्रकार का कैफे होगा, इस कैफे में निर्धन तथा कचरे का काम करने वाले लोगों को 1 किलोग्राम प्लास्टिक के बदले मुफ्त में भोजन दिया जाएगा, 0.5 किलोग्राम प्लास्टिक के बदले में उनको नाश्ता दिया जाएगा। इस कैफे में जमा किए गए प्लास्टिक को सॉलिड लिक्विड रिसोर्स मैनेजमेंट सेंटर में बेचा जाएगा, तो आप देख सकते हैं कि काफी अच्छी पहल है ये। और अंबिकापुर के बारे में देख लीजिए थोड़ा सा, अंबिकापुर छत्तीसगढ़ का पहला डस्टबिन मुक्त शहर है, वहां पर डस्टबिन नहीं है, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि छत्तीसगढ़ का पहला डस्टबिन मुक्त शहर कौन सा है? अंबिकापुर। स्वच्छता रैंकिंग में इंदौर के बाद यह दूसरा स्वच्छ शहर है, नंबर 1 स्वच्छ शहर कौन सा है? इंदौर, जो भोपाल जो कि मध्य प्रदेश के अंदर है, और दूसरा सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? अंबिकापुर, जो कि छत्तीसगढ़ में है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। हाल ही में सुर्खियों में रहा गरवी गुजरात भवन किस शहर में स्थित है? अब गरवी गुजरात लिखा हुआ तो आप ये सोच सकते हैं कि ये गुजरात के अंदर होगा, लेकिन नहीं, ये नई दिल्ली के अंदर है। किस शहर ने नुआखाई नामक उत्सव मनाया है? ओडिशा ने मनाया है, याद रखिए। अब ओडिशा के जो राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल। ओडिशा के राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल।
और वहां के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। तो ये दो चीजें याद रख लीजिए, गणेशी लाल और नवीन पटनायक, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से कुछ भी बन सकता है। और ये जरूर रखिए नुआखाई उत्सव के बारे में। हाल ही में किस कार 300 मील प्रति घंटे के रिकॉर्ड को तोड़ा है? तो वो है बुगाटी शिरोन। तो इसके बारे में थोड़ा सा जो जानना चाहते हैं देख लीजिए, बुगाटी शिरोन जो है निर्माण फ्रांसिस कार कंपनी बुगाटी द्वारा किया गया है, तो ये फ्रांस की कंपनी है। W16 इंजन का उपयोग यहाँ पर किया गया, जिसके अंदर की 16 सिलेंडर लगे हुए हैं। और बुगाटी शिरोन की कीमत कितनी है? 20 करोड़ रुपए। और ये 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार मात्र 2.5 सेकंड में पकड़ सकती है। देख सकते हैं आप लोग। विश्व संसाधन संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वॉशिंगटन के अंदर। तो अभी इन्होंने क्या एक रिपोर्ट जारी किया, रिपोर्ट का नाम देख लीजिए, रिड्यूसिंग फूड लॉस एंड वेस्ट। तो ये रिपोर्ट किसने जारी की है? विश्व संसाधन संस्थान ने। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन दक्षिण पूर्व एशिया का अध्यक्ष कौन है? हर्षवर्धन है, याद रख लीजिए। खादी व ग्रामोद्योग ने किस शहर में प्रथम टेराकोडा ग्राइंडर लॉन्च किया है? अब टेराकोडा ग्राइंडर कहाँ पर लॉन्च किया गया? वाराणसी के अंदर, जो मिट्टी की टूटी हुई वस्तुओं को पीसकर पुनः मिट्टी के उपयोग में ला देगा। किस भारतीय को बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा सम्मानित किया गया है? नरेंद्र मोदी। ये मैंने क्वेश्चन ऊपर करवा दिया पहले आपको, तो इसके बारे में थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन वो देख लीजिए। ये इनको स्वच्छ भारत के लिए दिया जाएगा, यह सम्मान सितंबर के अंत में अमेरिकी यात्रा के दौरान प्रदान किया जाएगा। अब बिल एंड मेलिंडा फाउंडेशन है क्या? इसकी स्थापना बिल गेट्स ने की थी और उनकी पत्नी मेलिंडा गेट्स द्वारा की गई है। तो ये कब की गई स्थापना? 2000 में की गई थी। तो ये बिल एंड मेलिंडा फाउंडेशन के बारे में हो गया। चौथे दक्षिण एशियाई स्पीकर समिट का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो वो माले के अंदर, जो कि मालदीव की राजधानी है। अब उसमें भाग कौन कौन लेंगे? पहले लोकसभा के अध्यक्ष वो है, लोकसभा के स्पीकर जो है ओम बिरला, वो वहां पर भाग लेंगे। तो पहले मैं अध्यक्ष बोल गया, सॉरी फ्रेंड्स, पहले जो है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और जो राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन है हरिवंश नारायण सिंह, तो वहां पर जाकर भाग लेंगी। आज का फ्रेंड्स क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, WHO क्या है? WHO की फुल फॉर्म, पहले तो फुल फॉर्म बतानी है, फिर उसका गठन कब हुआ था ये बताना है, तीसरा उसका हेडक्वार्टर कहाँ है। ये तीनों चीजें फ्रेंड्स जरूर बतानी है, एक क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर जरूर मिलेगा। आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट डेली विजिट कर सकते हैं, यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, जीके की चीजें यहाँ पर मिल जाएंगी आपको। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लाइक कीजिए फ्रेंड्स, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।